की जगमगाहट का त्योहार है दीपावली, अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव है दीपावली। रावण का वध करके भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के अयोध्या वापस लौटने के उल्लास का उत्सव का पर्व है दीपावली। आप सबको व्यास एडुकेशन परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की कई पौराणिक कथाएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं, लोक परंपराएं भी हैं, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सबसे रोचक पौराणिक कथा क्यों मनाते हैं दीपावली, एक थोड़ी मजेदार कथा है, मैं आपको तसल्ली से सुनाता हूँ, सुनिए। और ये कथा विशेष रूप से दीपावली के दिन सुनना बहुत शुभ माना जाता है। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है। एक बार महर्षि दुर्वासा कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्हें एक अप्सरा मिली जिसके पास दिव्य पुष्पों की एक माला थी। महर्षि को वो माला अच्छी लगी और अप्सरा ने बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए महर्षि को वो माला भेंट कर दी। दुर्वासा आगे बढ़े और वहां से उन्होंने देखा देवराज इंद्र जा रहे थे। दुर्वासा के मन में भावना हुई कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, अच्छे काम करते हैं, और उन्होंने वो माला इंद्र को समर्पित कर दी। इंद्र देवताओं के राजा थे, समृद्ध और वैभवशाली थे। उन्होंने माला ली पर कुछ विशेष उत्साह नहीं दिखाया और उपेक्षा पूर्वक वो माला ऐरावत के माथे पर रख दी। ऐरावत ने सूंड से उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया और पैरों से रौंद दिया। अपनी माला का इस प्रकार अपमान देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम बहुत अभिमानी हो गए हो। मैंने आदर पूर्वक तुम्हें एक माला, दिव्य माला समर्पित करी, तुमने न किसी विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया, न ही कृतज्ञता पूर्वक माला को माथे से लगाकर मुझे प्रणाम किया। जो देवताओं के राजा के लायक काम है तुमने वो नहीं किया। तुम्हें अपनी श्री का, अपनी लक्ष्मी का, अपनी समृद्धि का बहुत अभिमान हो गया है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि महालक्ष्मी स्वर्ग को छोड़कर तीनों लोकों को छोड़कर चली जाएंगी। और जैसे ही दुर्वासा ने शाप दिया, महालक्ष्मी तीनों लोगों का त्याग करके समुद्र में समा गई। अभी तक तो इंद्र अभिमान से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी ने त्रिलोकी का त्याग किया, इंद्र का सारा घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन तब क्या करते, अब तो शाप मिल गया। जैसे ही इंद्र को शाप मिला, इंद्र का अहंकार चला गया। इंद्र को समझ में आया कि उन्होंने जो पंगा लिया है वो किससे लिया है, वो स्वयं महर्षि दुर्वासा से लिया है, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ऐरावत से उतरे, उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा क्षमा करने वाले नहीं थे। सरलतापूर्वक उन्होंने कहा, इंद्र तुम्हें अपने अभिमान का दंड तो जरूर मिलेगा। और ऐसा कहकर दुर्वासा अंतर्धान हो गए। लक्ष्मी जी त्रिलोकी को छोड़कर चली गई और समुद्र में समा गई। अब हाहाकार मच गया, दैत्यों ने आक्रमण किया, देवता हार गए, इंद्र को अपनी नगरी छोड़नी पड़ी। और जब सब कुछ छूट जाता है तो भगवान याद आते हैं, तो अब इंद्र को भी भगवान याद आए और वो गए भगवान के पास, उनकी स्तुति करने लगे, पश्चाताप किया। जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, तभी व्यक्ति सोचता है कि उसने क्या गलतियां करी हैं। सुख में तो कई बार मति भ्रष्ट हो जाती है, तो इंद्र ने भी सोचा कि क्या क्या गलतियां हुई, समझ में आई, तपस्या करी, भगवान का स्मरण किया, और तब भगवान ने उनको समुद्र मंथन का विचार दिया। दानवों के साथ बात हुई, देवताओं और दानवों ने मिलकर नागराज वासुकी की रस्सी बनाई, मंदराचल का पर्वत उसको मथानी बनाया और क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन किया तो था अमृत के लिए, पर सबसे पहले निकला विष, जिसको महादेव ने ग्रहण करके त्रिलोकी की रक्षा करी। एक के बाद एक रत्न निकलते गए और अंततः उस समुद्र मंथन के फलस्वरूप प्रकट हुई, समुद्र में से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। आज दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी समुद्र से फिर से प्रकट हुई थी और त्रिलोकी की समृद्धि, त्रिलोकी का वैभव, त्रिलोकी की श्री लौट कर आई थी। उस उत्सव को स्मरण करते हुए लोग दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, आनंद का उत्सव मनाते हैं, और ये
पौराणिक कथा सबसे प्राचीन कथा है जो दीपावली के साथ जुड़ी हुई है। फिर आज ही के दिन भगवान राम रावण को मार कर, लंका को विजय करके, राक्षसों का दमन करके और धर्म की स्थापना करके राम वास्तव में राम बनकर आज के दिन लौटे थे अयोध्या में, और इसलिए उनके आनंद में, उनके स्वागत में, उनके प्रत्यावर्तन के आनंद में लोगों ने घर घर दीप जलाए, पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया और दिवाली मनाई। एक मजेदार प्रश्न आता है कि दीपक तो राम जी के जन्म पे भी जले थे, दीपक तो हर शुभ अवसर पर जलते हैं, तो दिवाली आज ही के दिन क्यों मनती है, राम जी के लौटने पर ही क्यों मनती है? जब भी कोई अच्छा काम होता है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, राम जी का जन्म हुआ तो राजा के घर राजकुमार ने जन्म लिया है, लोगों ने उत्सव मनाया। लेकिन जब राम वनवास से लौटे तो पहली चीज अयोध्या वासियों को यह अनुभव हो गया था कि स्वयं राम यदि छोड़कर चले जाएं तो कष्ट कैसा होता है, तो जब वो दोबारा आए तो उनके स्वागत का आनंद अधिक था। यही नहीं, अब राम लंका विजयी थे, रावण विजयी थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे थे, एक असाधारण उपलब्धि हासिल करी थी, उन्होंने पूरी मनुष्यता को जगा दिया था, मनुष्य को मनुष्य होने का मतलब सिखाया था। उस रामत्व को जागृत करके जब राम लौटते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। हम सब भी अपने मन में उसी रामत्व को जागृत करें, अपने कर्तव्य के बोध को जागृत करें, महान कर्म करें, उन कर्मों को करने का संकल्प लें, मन के अंधकार के रावण को हम नष्ट कर दें। किससे? अपनी तपस्या से, अपनी तेजस्विता से, अपने उत्साह से। और ये सब कब आते हैं मन में? तब जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा है कि हमारा तो काम ही है पढ़ाना। हर विद्यार्थी के मन में शिक्षा का, ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास करना। प्रभु ने जब इतना अच्छा काम दिया है तो आइए, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि हम सब अपने अपने मन के दीपक जलाएं, और मन के ही नहीं, वास्तव में खूब दिए जलाएं, खूब पटाखे चलाएं, बगैर दूसरों को तंग करे आनंद का उत्सव मनाएं, इस तरह से दिवाली मनाएं जैसे हमारा तन मन सब रोशनी से भर जाए। बहुत सुंदर कविता है नीरज की, वो बोल रहा हूं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर, धरा मतलब जमीन पर, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग झूले। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, जो दीपक की लौ है, कवि कहता है कि ये पंखों की तरह है। किसके पंख हैं? ये सपनों के, ये आशाओं के पंख हैं। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी, मर्त्य मतलब इस धरती की, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। जो धरती की मिट्टी है उसे सपनों की आशाओं के पंख मिल जाएं और वो इतनी ऊंची उठे कि वो गगन को और उसके भी पार जो स्वर्ग है उसको छूले। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह फूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय।